गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम गोपाल जी। गुड इवनिंग, कैसी चल रही पढ़ाई? बाकी सब्जेक्ट के बारे में क्या हालचाल है? आज हम करने वाले हैं एग्जम्पशन, और मेनली फोकस करने वाला हूँ मैं अमेंडमेंट में। गुड इवनिंग आयुष, वेलकम बेटा। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है मेरी? देखिए आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है मेरी, बताइए। वेलकम निकिता। वेलकम। बिल्कुल आईटीसी करेंगे गोपाल जी, आईटीसी तो मेन चैप्टर है, थोड़ा एक बेस बना लेते हैं। आईटीसी करना ही करना है अपन को। गुड इवनिंग श्रद्धा, आयुष, गुड इवनिंग आयुष बेटा। ओके शुभी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा शुभी, वेलकम। अनिकेत, गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू द ऑल। आपको मैं जो जीएसटी का स्टेटटरी अपडेट था आईसीएआई का, उसको अभी मैंने फिर से रीसेंड कर दिया, पहले भी भेजा था। वेलकम सिजल, मुस्कान, तो मैंने आपको फिर से भेज दिया है अभी टेलीग्राम में, वैसे आप वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो आज मेनली मेरी प्लानिंग है कि एग्जेम्पशन तो हमने कर लिया था, थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है। सेक्शन 11 को कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? और अमेंडमेंट बहुत सारे इसमें हैं, लेकिन इतना टफ नहीं है, लेकिन मैं करवा दूंगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे। इसलिए मैं आज प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपको एग्जेम्पशन में जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं और नए नए एंट्री आई, वो बताऊंगा मैं आज आपको, ठीक है? वेलकम रोहित, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट बट केम हियर टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम यू सर। ओके वेलकम रोहित, बैठो 10-15 मिनट बेटा, कोई इशू नहीं है। बट आपको अल्टीमेटली फाउंडेशन पे ध्यान देना है, फाउंडेशन पे मेहनत करना है, और बहुत ही बढ़िया कोर्स है फाउंडेशन का, मेहनत करके निकालना है उसको। वेलकम अनुज, 1 मिनट बचा है, फिर शुरू करते हैं अपन। हाँ जी, आंचल अग्रवाल जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? ध्यान रखना, चिंता नहीं करना, क्योंकि यू आर इन द मंथ ऑफ एग्जाम नाउ। द यू आर इन द मंथ ऑफ एग्जाम एंड द मंथ ऑफ एग्जाम क्रिएट सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वेलकम प्रज्ञा, मैंने क्या बोला? मंथ ऑफ एग्जाम विल क्रिएट सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहना है, ध्यान रखिएगा, कूल रहना है। कॉन्सेप्ट क्या है आजकल? हार्डवर्क का केवल जमाना नहीं है, हार्डवर्क विथ कूल माइंड, ठीक है? वेलकम प्रज्ञा जैन जी, आस्था, वेलकम प्रीति। चलिए शुरू करते हैं, टाइम हो चुका है हमारा, और आज की क्लास को कोशिश करूँगा टाइमली कंप्लीट करने की, और आपको कुछ वैल्यू एडिशन देने की कोशिश करूँगा। इस क्लास का अगर भरपूर फ़ायदा उठाना है तो साथ साथ एक एक घंटा कम से कम आप दीजिए, और जिसका जीएसटी का शेड्यूल चल रहा होगा उसको तो और मज़ा आ जाएगी। या निकाल सकते हैं, ग्रुप वन वाले निकाल सकते हैं तो ज़रूर कीजिए इसको, ठीक है? सौरभ आ जाइए, वेलकम। खुशबू, पीयूष जी, गुड इवनिंग। भाविया, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाँ जी, बढ़िया है अनिकेत जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। लाइफ में थोड़ी थोड़ी टेंशन आती है कभी कभी, हम लोगों को भी आती है यार,
हम लोग लेकिन आप लोग से शेयर नहीं कर सकते, आप लोग वैसे ही टेंशन में हो, हम अपनी भी प्रॉब्लम शेयर कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ना खुश दिखते भी हैं, कई बार रहते नहीं हैं तो भी खुश दिखते हैं। जिनेश वेलकम, दिनेश जी गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। चलो चलिए, 1 मिनट वैसे ही ऊपर हो गया हमारा चैप्टर 4। वैसे ही रात को आप लोग आते हैं यार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात को मैं जब शुरू किया था तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी रात को बैठोगे, बट अच्छा लगा। हाँ, पीयूष मैं अपनी सीए की कहानी सुनाऊंगा तो तुम लोगों को पता लग जाएगा यार कि हम बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, इसलिए मैं ना कहानी नहीं सुनाता है ना। तो भैया मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैं तो हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, मैं आपकी मार्कशीट देखोगे मेरी ना पूरी स्कूलिंग की तो बहुत ही बेकार थी यार, अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि यार मैं सीए बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है, ठीक है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए। तो मैं सुनाऊँगा बेटा, बिल्कुल कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के सुनाऊँगा, है ना। ठीक है, चलो चैप्टर 4। जब बेटा मैं एग्जेम्पशन सुनता हूँ ना, तो उसके पहले मैंने कुछ मार्जिन में लिख रखा है, क्लास में भी बताया था। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, टैक्सेबल पर्सन जब कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है किसी अनदर पर्सन को, तो सेक्शन 9 के थ्रू हम यहाँ पर चार्जिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिए कि टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो जीएसटी चार्ज होता है, सेक्शन 9 में लिखा है। ओके, इंटरेस्टेड सप्लाई, इंटरेस्टेड सप्लाई, इट्स ओके, सेक्शन 5 ऑफ IGST, इंटरेस्टेड सप्लाई। लेकिन अगर वो सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो फिर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, मतलब एग्जेम्पशन का सेक्शन चार्जिंग सेक्शन को ओवरराइड करता है। इनकम टैक्स में भी यही होता है, बताओ तो इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन से एग्जेम्पशन का है, मत बताओ, खैर पता होगा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन 10, और सेक्शन 10 सभी को ओवरराइड करता है, मालूम है आपको। तो वैसे ही इसका एग्जेम्पशन का सेक्शन है पीयूष, सेक्शन 10 सही बोल रहे हो आप, इसका एग्जेम्पशन का सेक्शन है सेक्शन 11। आजू बाजू तो है यार, पॉइंट समझ में आ रहा है, ये देखिए। तो सेक्शन 11 ऑफ CGST, इनकम टैक्स में सेक्शन 10 है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात बताया आपने। ओके, अब ये सेक्शन 11 ना, अब जब ये चैप्टर पढ़ो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको तो पता होगा कि चैप्टर टफ नहीं है, याद नहीं होता, तो इसका तरीका क्या है, इसको एक कॉमन चैप्टर के रूप में रखना। जब आप जीएसटी पढ़ो ना तो रोज का रोज 5-7 ठोक, 2-3 ग्रुप पढ़ो इसके, मतलब या पेजेस डिसाइड कर लो कि मेरे को रोज यार 5-7 पेज इसके देखना है और अगले चैप्टर में मूव ऑन हो जाना है, मतलब जीएसटी का ये वाले चैप्टर को ना साथ में चलाना चाहिए, ये इसका तरीका है। अगर आप यही चैप्टर को पकड़ के ख़त्म करना चाहोगे ना तो एकदम पजल्ड हो जाएगा माइंड आपका। तो ऐसे जो चैप्टर ड्राई टाइप के होते हैं ना, जिसमें कॉन्सेप्ट कम रटना ज़्यादा रहता है, तो उसका सीधा फंडा रहता है उसको रिपीटेटिव पढ़ाई करना। तो रिपीटेटिव पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस चैप्टर को अदर चैप्टर के साथ 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 चलाना पड़ता है, ठीक है। वेलकम मयंक, चलो तो एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा मैं, सीधा आपको एक बार सेक्शन, हाँ अब ये देखिए, ये एक जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन, व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई पढ़ लेते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज अ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स और विच मे बी होल्ली एग्जेम्प्ट, मतलब सेक्शन 11, फ्रॉम टैक्स एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये सेक्शन 247 में है। तीन चीजें हैं इसमें तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब केवल सेक्शन 11 नहीं होता, टेक्निकली सेक्शन 247 में जो एग्जेम्प्ट सप्लाई, अब सेक्शन भी कितना बढ़िया देखिए याद रहेगा, जैसे 1947 में हमको आज़ादी मिली थी तो वैसे ये जीएसटी से आज़ाद कर रहा है, 47, समझ में आ रही बात। तो 247 जीएसटी से आज़ादी दे रहा है, जो निल रेट ऑफ टैक्स है, जो हुल्ली एग्जेम्प्ट है सेक्शन 11 के अंतर्गत, और जो नॉन टैक्सेबल है। तो बस ये छोटी सी बात मेरे को आपको बतानी थी, मैं ज़्यादा इसमें थ्योरिटिकल जाऊँगा नहीं, साथ साथ थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा, लेकिन सेक्शन 11 मैं छोड़ूंगा भी नहीं, समझ रहे बात को। वेलकम होम, चलिए लग जाइए बेटा पढ़ाई पे। हाँ जी, सेक्शन 11, सेक्शन 11 1 नोटिफिकेशन है भाई साहब, सेक्शन 11 2 ऑर्डर है भाई साहब, है ना। तो नोटिफिकेशन और ऑर्डर, ऑर्डर है स्पेशल केस में, स्पेशल टाइम के लिए पास किया जाता है, ये भी एग्जेम्पशन दे रहा है। सेक्शन 11 1 नोटिफिकेशन जारी किया जाता है,
जनरल चीज़ों को, ठीक है। और जो सबसेक्शन थ्री है बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन, रेट्रोस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? सेक्शन थ्री पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया गया। बस हो गया, कंप्लीट हो गया। ये देखो कुछ नहीं है इसमें, सेक्शन 11 खत्म। फिर से सुनो क्या लिखा है, पढ़ लेंगे भले तेजी से, बार मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। 11-1 गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है इसमें, ठीक है, किसी भी सप्लाई को एग्जेम्प्ट करने के लिए। 11-2 में ऑर्डर देती है, स्पेशल ऑर्डर देती है, ये भी एग्जेम्पशन के लिए है। और जो ऊपर नोटिफिकेशन या ऑर्डर, सबसेक्शन 1 में नोटिफिकेशन या सबसेक्शन 2 में ऑर्डर, उसके बारे में को रेट्रोस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन लाया जा सकता है। कितने साल पहले के, कितने साल पहले पर ये नोटिफिक एक्सप्लेनेशन लाया जा सकता है, अगर ध्यान हो तो डालिएगा, ठीक है, ताकि थोड़ा इंगेज रहे आप, इसलिए पूछता हूँ मैं। बाकी मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ, बस इसी की रीडिंग करूँगा, फिर सीधा मैं आपको थोड़ा सा एग्जम्पशन में, थोड़ा समरी में लेके चलूँगा, एग्जम्पशन में लेके चलूँगा। प्रज्ञा ने लिखा है 1 ईयर, रितिक ने लिखा गुड इवनिंग सर, ओके 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 बेटा, कोई बात नहीं, चलिए लग जाइए, अभी शुरू हुई पढ़ाई। 1 ईयर, बिल्कुल सही बात है, इस रेट्रोस्पेक्टिव क्यों लिखा समझ रहे, विद इन 1 ईयर। मेरे को ज़्यादा पसंद आया मुस्कान का आंसर, विद इन 1 ईयर, क्योंकि जैसे आज का, आज अगर मैं 1 साल पहले के नोटिफिकेशन या ऑर्डर पे आज एक्सप्लेनेशन डालूंगा ना, तो उसको उसी डेट से इफेक्टिव माना जाएगा। ये बहुत बड़ी पावर है गवर्नमेंट के पास। तो एक बार पढ़ेंगे इसको, सबसेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज पब्लिक इंटरेस्ट। और आपको बता दूं मैं, ऑर्डर भी पब्लिक इंटरेस्ट में लाया जाता है, तो फर्क पहचानना थोड़ा। इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू सो टू डू इट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, तो रह गई काउंसिल, बाई नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट जनरली, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एग्जाम जनरली आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड मे बी स्पेसिफाइड देयर इन, कुछ कंडीशन भी हो सकती है, गुड्स और सर्विस और बोथ ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स लेवीबल देयर ऑन विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। अब यहाँ क्या फर्क है देखिए, बाकी सब सही है। वेयर द गवर्नमेंट ऑर्डर में देखिए, सबसेक्शन टू इज सेटिस्फाइड दैट इन द पब्लिक इंटरेस्ट सेम है, सो टू डू इट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, यहाँ भी वही है, बाई स्पेशल ऑर्डर, ये फर्क आ गया, पहचानिए भैया ये दोनों में फर्क पहचानिए। बाई स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस, ऊपर में क्या वर्ड था जनरली, यहाँ पर क्या फर्क आ गया, कोई खास केस में के लिए एग्जम्पशन, यार अभी कोरोना आ गया तो चलो, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कई सारी इन्होंने जीएसटी में एग्जम्पशन दे दी, ये स्पेशल केस है। अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, कहाँ लिखा है ऊपर, नहीं लिखा है, ये भी फर्क है, टू बी स्टेटेड, और वो भी उस ऑर्डर में लिखा रहेगा कि कौन सा केस है भाई, किस कारण से हम ये एग्जम्पशन दे रहे हैं, इन सच ऑर्डर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स इज लेवल। तो ये दोनों में थोड़ा फर्क पहचानेगा, इस पूरे चैप्टर में दो ही तो टेक्निकल चीजें दी हुई है सेक्शन वाइज बात करें तो। और ये लिखा हुआ है आपका सबसेक्शन थ्री, जो गवर्नमेंट को पावर देता है गवर्नमेंट में, इफ ही कंसिडर्ड नेसेसरी, उसको लगता है कि जरूरी, भाई कुछ गड़बड़ छूट गई, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है किसी ऑर्डर का या किसी नोटिफिकेशन का, और एक्सपीडियंट जरूरी हो गया है, सो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ क्लेरिफाइंग, अब ऊपर में दोनों में पर्पज था पब्लिक इंटरेस्ट, यहां पर क्या पर्पज है, क्लेरिफाइंग द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 एंड ऑर्डर इशूड अंडर सबसेक्शन 2, इंसर्ट एंड एक्सप्लेनेशन इन सच नोटिफिकेशन और ऑर्डर एज मे बी बाई नोटिफिकेशन। और ये जो एक्सप्लेनेशन आता है ये भी नोटिफिकेशन के थ्रू आता है। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ जो इस बार अमेंडमेंट में क्लेरिफिकेशन में लिखी भी है। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट ये एक्सप्लेनेशन लाने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी करती है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन लाने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी करती है, तो इस नोटिफिकेशन की भी तो कोई डेट रहती होगी ना भाई। तो भैया नोटिफिकेशन के भले कोई डेट रहती है, लेकिन उस डेट से वो एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल नहीं होता, वो एक्सप्लेनेशन काहे से एप्लीकेबल होता बताइए तो जरा। फिर से सुनना, ये अमेंडमेंट में लिखा है, मैं यहीं से समझा रहा हूँ ताकि आपको जोर से समझ में आ जाए ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ
एक्सप्लेनेशन भी तो नोटिफिकेशन के थ्रू लाया जाएगा, नोटिफिकेशन भी कोई ना कोई डेट होगी, तो इस डेट से ये एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव होगा कि ये एक्सप्लेनेशन इस ऑर्डर की डेट से या इस ऑर्डर की डेट से या इस नोटिफिकेशन की डेट से एप्लीकेबल होगा। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ समझना। एज नोटिफाइड लिखा है हर्ष ने, रेट्रोस्पेक्टिव है हर्ष, एज नोटिफाइड थोड़ा गलत हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज नोटिफाइड ये ज़्यादा बेहतर आंसर है स्वाति का। एज नोटिफाइड मतलब ये नया नोटिफिकेशन की डेट हो गई, ये नहीं। तो क्योंकि सुनना मेरी बात को, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी नोटिफिकेशन के थ्रू लाया जाता है, तो उस नोटिफिकेशन की डेट की इंपॉर्टेंस नहीं है एप्लीकेबिलिटी के लिए की। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आप आज एग्जेम्पशन का जो कुछ चेंजेस मैं आपको बताता हूँ, पढ़ लेंगे एक बार। ये देखिए कम से कम दिखा दे देता हूँ मैं आपको, ये अमेंडमेंट शीट है, ये पॉइंट नंबर 5 पढ़िए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वहीं से आपको। क्लेरिफिकेशन ऑन इफेक्टिव डेट ऑफ इंसर्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन इन नोटिफिकेशन, ये वही वाली बात चल रही है, सेक्शन 11(3), ये देखिए। और अब पढ़ी रहे तो मैं यहीं से पढ़ा ही देता हूँ यार, ख़त्म हो जाएगा काम आपका, अलग ही कनेक्शन बैठेगा इसमें। यहाँ पर आप स्टडी मटेरियल का पेज नंबर डाल दीजिएगा, है ना, क्या लिखा है देखिए। मैंने क्या बोला, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन भी किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आता है, कोई नंबर से आता है। सेक्शन 11(3) ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट मे इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन, गवर्नमेंट इंसर्ट कर सकती है एक्सप्लेनेशन इन एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 11 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेरिफाइंग द स्कोप और एप्लीकेबिलिटी एट एनी टाइम विद इन विद इन 1 ईयर, बताए हमको, ऑफ इशू ऑफ सच नोटिफिकेशन एंड एवरी सच एक्सप्लेनेशन शेल हैव इफेक्ट एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ सच फर्स्ट नोटिफिकेशन। और इस एक्सप्लेनेशन का वैल्यू ये रहती है कि वो शुरू से ही आया हुआ माना जाता है। और अब यहाँ इसमें समझा रहा है आपको क्लेरिफिकेशन, ये सर्कुलर है, देखिए आप सर्कुलर है 11/10/2019 का, ठीक है। इट इज हेयर बाय क्लेरिफाइड दैट द एक्सप्लेनेशन हैविंग बीन इंसर्टेड अंडर सेक्शन 11(3) ऑफ CGST एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द एंट्री इन नोटिफिकेशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द नोटिफिकेशन दैट इंसर्टेड सेड एक्सप्लेनेशन बिकम इफेक्टिव। जिस नोटिफिकेशन के थ्रू उस एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट किया गया उसकी इफेक्टिव डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि किसकी इंपॉर्टेंट है, ओल्ड ओरिजिनल नोटिफिकेशन की। ये एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा या मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए प्रिंसिपल नोटिफिकेशन पहले आया था, सेक्शन ये आया था 28(6) को, बाद में एक क्लेरिफिकेशन लाया उन्होंने बाद में, ये देखिए इंसर्टेड एक एंट्री इन्होंने इंसर्ट की 21/9/2017 को, फिर एक्सप्लेनेशन आ गया ये देखिए 26/7/2018 को, तो 26/7/2018 को एक आ गया जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू, तो 27/7/2018 से एप्लीकेबल नहीं होगा ये, ना 26/7 से होगा, इसकी इफेक्टिव डेट ये ही रहेगी ओरिजिनल। बताइए तो समझ में आई के बाद कि थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे को, थोड़ा मैं इसलिए यहाँ लिंक कर रहा हूँ क्योंकि बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। किनको प्रॉब्लम होगी तो मैं इसलिए आज ग्रुप में शेयर भी कर दिया था इसको, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो ये इसको अब इस पर कुछ घुमा फिरा के ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती मेरे को। ठीक है, ओके अमित, थैंक यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है अमित को, वेरी गुड। अब इसके बाद बेटा ये एक्सप्लेनेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अब सीधा ना आप आ जाइए पेज नंबर 4.77 में, ठीक है। ये देखिए ये समरी है हमारी एग्जेम्पशन की, इसको भी कैसे पढ़ना है आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके, सेपरेटली आपको लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी जाएगी। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे कोर्स में एग्जेम गवर्नमेंट गुड्स को भी एग्जेम्प्ट करती है, वेजिटेबल फॉर एग्जांपल, फ्रेश मिल्क फॉर एग्जांपल, फ्रूट्स हैं, और सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट करती है। बट हमारे कोर्स में ना
हमारे कोर्स में ना केवल डिटेल में सर्विसेज के एग्जिमिशन हमको पढ़ना है, ठीक है? ओके, बिल्कुल काजू भी है, शायद राज का कहना है काजू भी है, ठीक है बेटा। तो हमारे कोर्स में डिटेल में केवल एग्जिमिशन इन केस ऑफ सर्विसेज है, वो याद करना है। अब देखिए, ये सेक्शन 11 के बारे में लिखा हुआ है, हमको ये समझ में तो आ गया। सेक्शन 11 में इन्होंने बता दिया भाई ये नोटिफिकेशन होता है, स्पेशल ऑर्डर होता है, तो इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। सीधा यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, इसको भी बहुत ही जनरली देखेंगे, लेकिन मैं आपको लेके कहाँ जाने वाला हूँ, सीधा इसमें जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये तो रटना है आपको। फिर भी एक ओवर लुक कर लेते हैं इसको। देखो किस टाइप की सर्विसेज ग्रुपिंग की हुई है। वैसे ना जो एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन, समझ रहे हैं, एग्जेम्पशन का जो नोटिफिकेशन अगर आप बता पाएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट किस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है ये एग्जेम्पशन दे रही है। बताइए जरा भाई, थोड़ा आप इंगेज भी रहेंगे, बताइए। नोटिफिकेशन नंबर 67, ओके, 12/2017, नोटिफिकेशन 66। प्रतीक कुछ गड़बड़ कर रहे हो, नोटिफिकेशन 66 तो कैश जो हमको एडवांस पैसा मिलता है उसके लिए बना हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई में। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 CTR, 12/2017 मैं पढ़ता हूँ, पेज नंबर 2.7 में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए शुरू में है, दिख रहा है आपको, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017 रेफर टू एज अ नोटिफिकेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ये दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन, सुनिए मेरी बात, गवर्नमेंट सेक्शन 11(1) को यूज करके नोटिफिकेशन देती है, पावर है। तो नोटिफिकेशन दिया क्या? दिया, बिल्कुल, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 दिया, और इसमें जो अमेंडमेंट है, नई एंट्री है, उसमें मैं अभी आपसे बात भी करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आप लोग पूछते हैं सर नोटिफिकेशन नंबर याद रहना चाहिए, बिल्कुल याद कीजिए, तो कितनी जगह काम आएगा, हर क्वेश्चन में काम आएगा आपके। तो याद करने वाले जो नोटिफिकेशन है, जो रिवर्स चार्ज वाला नोटिफिकेशन है, एग्जम्पशन वाला नोटिफिकेशन, इसकी लिस्ट बना दीजिए, 3 या 4 ही याद करने हैं आपको, आपके आंसर लिखने में ग्लेज आ जाएगा एकदम, समझ रहे हैं? तो चलिए अब शुरू करते हैं, वेरी गुड। और जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसलिए पेज नंबर दिखा रहा हूँ, नोट पैड रखी साइड में, पेज नंबर लिखते जाइए और एक बार खुद से देख लेना, ठीक है? ओके, हाँ जी, 2019 नहीं है दिशिका जी, हाँ जी भाई। देखो अब एक्चुअली इस नोटिफिकेशन ना, एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन में ना अंदर एंट्रीज है, मेरी बात सुनना, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, सीरियल नंबर सेक्शन रहते हैं, वैसे एंट्री है इसमें। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने जब बुक बनाई तो क्या किया, एंट्री में क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं अपन, तो उन्होंने क्या किया, एक टाइप के नोटिफिकेशन की एग्जम्पशन की ग्रुपिंग कर दी और ग्रुपिंग वाइज दिया, तो इसे याद थोड़ा सा अच्छे से होता है। तो अब देखिए, सर्विसेज, लिस्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज रिलेटिंग टू चैरिटेबल, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, जैसे ही याद आता है, ये आता है ना मेरे को, सेक्शन 12(ए) ध्यान आता है ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि यहाँ पर वही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को लिया गया है जो सेक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 12(ए) के अंतर्गत कवर किया गया, उनसे रिलेटेड ही लिया गया है, ठीक है? बिल्कुल अनिश, या ईयरली अमेंडमेंट होते रहते हैं, और ईयरली भी नहीं जरूरी है, गवर्नमेंट कभी भी नोटिफिकेशन पे अमेंडमेंट कर सकती है, उसके अंतर्गत रहते हुए एक्सप्लेनेशन ला सकती है। अब देखिए, सर्विस बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ, थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा आज की क्लास में मेरे को, क्योंकि अमेंडमेंट पे फोकस करना है। तो यहाँ पर सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट, मतलब किराए पर दे रही है, होता है ना कई चैरिटेबल ट्रस्ट है, मंदिर वगैरह, वो किराए पर देती है, तो ये वाली सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया है, जिसमें रूम रेंट जो है कितना, 1,000 रुपये या उसे पर डे या उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है? एक्सेप्ट लिखा है ना, ये देखिए एक्सेप्ट, तो 1,000 तक होगा तो चलेगा, 1,000 से 1,000 से ज़्यादा होगा तो चार्जेबल हो जाएगा, और अगर कोई प्रीमाइसेस पूरा एरिया दे रही है तो 10,000 से ज़्यादा होगा तो चार्जेबल हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, और चार्जेस ऑफ रेंटिंग ऑफ शॉप है तो 10,000 पर मंथ, यहाँ पर डे है, दोनों में पर डे है, यहाँ पर मंथ,
थोड़ा थोड़ा अगर याद आ रहा होगा तो ठीक है। फिर देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी मैं पढ़ूंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉल कर दूं आपको, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा आपको। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं ना, सबको एग्जेम्प्ट कर दिया, चाहे उसके साइंटिस्ट हो, उनके सॉइल टेस्टिंग हो, उनको कोई मशीनरी सप्लाई करने वाले लोग हों, मार्केटिंग सर्विसेज देने वाले हों, वेयर हाउसिंग करने वाले हों, इसमें कुछ और जोड़ा भी है उन्होंने, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो हमारी एक बैकबोन है कंट्री के इकोनॉमी की, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया है। एजुकेशन सर्विस में मोटा मोटा समझ लेना, जब भी आप इसको पढ़ोगे तो सर्विसेज बाई एन प्रोवाइडेड बाई एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखने से कुछ नहीं होता, एक्सल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है भैया, नाम में लिखा है एक्सल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लेकिन ये किसी लॉ के अंतर्गत कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आती, समझ रहे बात को। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको सर्विस दे रही है, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस फीस अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, तो ये सब सर्विसेज है इसमें, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज से लगभग जितनी भी पैथी हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज है ना, मेडिकल से रिलेटेड सर्विस सबको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज में कौन सा ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट नहीं, ऐसा कुछ बता पाओगे क्या? मेडिकल डॉक्टर से रिलेटेड सभी ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट है, कौन सा नहीं है? रेंट ऑफ शॉप, प्लास्टिक सर्जरी, प्रतीक ने बिल्कुल सही बोला, प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, मैं अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो डॉक्टर मेरे को बिल के साथ साथ जीएसटी जोड़ के दे देगा, प्लास्टिक सर्जरी। हाँ प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक ज़्यादा बढ़िया वर्ड है बेटा, कुशाल ने जो लिखा है ना कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, क्या होता है प्लास्टिक सर्जरी भी ना कई बार नीडेड रहती है, तो वहाँ पर जो एनाटॉमी से रिलेटेड है तो वो तो एग्जेम्प्ट है। तो कॉस्मेटिक से रिलेटेड अगर कोई काम हो रहा है सुंदरता बढ़ाने के लिए, मेरी नाक टेढ़ी सीधी कर दो, मेरे बाल लगा दो, तो ये सबको जीएसटी में एग्जेम्पशन नहीं मिला है। बाकी जितनी पैथी, यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, सबको इन्होंने क्या कर दिया है, ऐसे ही कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सही बात है मैं, एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ रहा है, ठीक है, ओके। अनिश ने क्या लिखा है भाई, ब्यूटी इज जस्ट अ इल्यूशन, ब्यूटी इज जस्ट इल्यूशन, मतलब मेरे ख्याल से अनिश ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटी कुछ नहीं है, बस एक मन का वहम है, ओके। ब्यूटी तो बेटा मन में होती है, मेरे को ब्यूटी मेरे बुक में भी दिख सकती है। हाँ बिल्कुल सर, मन अच्छा होना चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है बेटा। मन अच्छा होने से फ़ायदा क्या होता है मालूम है? मन अच्छा होने से फ़ायदा ये होता है कि मन अच्छा होने से फ़ायदा ये होता है कि आप खुद खुश रहते हो, और अगर हम खुद खुश रहेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको हर चीज़ सुंदर दिखेगी, हर चीज़ अच्छी लगेगी, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये बात बिल्कुल सही है। चलो अब बेटा आगे बढ़ो, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि आपको 11 बजे पहले पहले छोड़ना है। मंजू ने कहा सर बट सब आर्टिफिशियल हो गया है, ऐसा नहीं है बेटा, आप आर्टिफिशियल चीज़ें मत देखना बंद कर दो ना, कलयुग में तो सब उल्टा ही हो रहा है, कुछ उल्टा नहीं है बेटा, आप पॉजिटिव चीज़ें को देखो, आपको सब चीज़ अच्छी लगेगी। कोई हर युग में, मेरे हिसाब से तो हर युग में कलयुग और सतयुग मिक्स होता है, वो आपकी दृष्टि है और आपका ज्ञान है कि आप कैसा देखते हो, दोनों मिक्स होता है हर युग में, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छी परिस्थिति भी होती है, बुरी परिस्थिति भी होती है, तो आपका और हम जितनी सारी चीज़ें बिखरी हुई इसमें कुछ ही चीज़ों को चुन सकते हैं, तो अच्छा अच्छा चुन लो उसमें, ठीक है, तो इट्स गुड, नथिंग बैड, और बुरी चीज़ें रहेगी तभी तो अच्छी चीज़ों की परख रहेगी मेरे यार, है ना, अगर सभी चीज़ अच्छी रहेगी तो परख कहाँ रहेगा, कुछ डिफरेंस ही नहीं रहेगा। सोमवार से शनिवार जब हम कहीं काम करते हैं और हम खूब मेहनत करते हैं, तब तो संडे की वैल्यू रहती है, छुट्टी मिलती है या जो भी है, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, डेली एक चैप्टर फिनिश कराने की कोशिश करूँगा, हाँ एक चैप्टर में बिल्कुल फिनिश कराने की कोशिश करूँगा,
ठीक है, ओके ठीक है बेटा, चलो। हाँ, हेल्थ केयर सर्विस मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। सर्विस प्रोवाइडेड किसी दिन ना, अपन आप लोगों की एग्ज़ाम हो जाएगी ना, तो अपन केवल ना बातें करेंगे, बातें करने के लाइन से लाइफ, मतलब लाइफ स्किल पे बात करेंगे, ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल, मैं सही बात है, हर व्यक्ति के अंदर संत होता है, कोई संत आगे नहीं होता, ठीक है? तो अपन जब आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएगी ना, तो 1 घंटा समय निकालिएगा, अपन केवल और केवल ना बातें करेंगे, लाइफ स्किल की बातें करेंगे, काम की चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है? जो चीज़ मैंने 5 साल सीखने में लगाई होगी, मैं आपको हो सकता है 5 मिनट में दे दूँ, आपका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? चलिए, अब सर्विसेज, अब मैं केवल हेडिंग पढ़ रहा हूँ, सर्विसेज, अब बातचीत बंद कर दीजिए प्लीज़। मेरे को अच्छा लग रहा है अभी मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे क्लास में बोलता था सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तो भाई सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ओके ओके, बैक टू पवेलियन आ जाओ। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इसमें थोड़े अमेंडमेंट है, तो गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बारे में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसको एग्जेम्प्ट किया, बट कुछ सर्विस को छोड़ दिया गया है। चलिए ठीक है, और कौन सी सर्विस है इसमें? कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट एकम्पनाइंग बिलोंगिंग्स। देखिए थोड़ा सा छोटा है तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है? सच सर्विसेज, क्या लिखा हुआ है? सच सर्विसेज, सच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई एयर, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, इनको एग्जेम्प्ट किया इन्होंने। उसके बाद कुछ खास एयरपोर्ट को भी एग्जेम्प्ट किया है, और उसके बाद यहाँ पर रेलवे, रेलवे की सर्विस को एग्जेम्प्ट किया है, मेट्रो रेल है, इनलैंड वाटरवे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो कैब है, लेकिन अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एयर क्लास, ठीक है? कंस्ट्रक्शन का प्रतीक मैं करा दूंगा, थोड़ा सा एक बार मैं अमेंडमेंट पे ले जाऊँ आपको। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने कराया था आपको, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ जीटीए। बताएंगे जीटीए किसको बोलते हैं, एंड कुरियर एजेंसी इनलैंड वाटरवे। तो जीटीए मतलब क्या होता है, कैसे पता लगेगा कि ये ट्रांसपोर्ट करने वाला जीटीए है, तो अगर याद हो तो बताइए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फुल फॉर्म लिख दिया आपने, हु इशू कंसाइनमेंट नोट। वाह मजा आ गई आयुष, क्या बात बोला है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है वो होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मयंक आपने जो आरसीएम लिखा था ना, लिखा सही है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं था मेरा। जीटीए जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें आरसीएम हो सकता है, इट्स ओके, बट जीटीए किसको बोलते हैं, हु इशू, नोट डाउन कीजिए जिनको नहीं पता, हु इशू कंसाइनमेंट नोट, जिसको अपन लोकल बिजनेस लैंग्वेज में बिल्टी बोलते हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद 1500 वाला भी लिमिट दिख रही है मेरे को। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में देखो भैया, जो भी बैंकिंग की एक्टिविटी जिसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस, जिसका कंसिडरेशन क्या होता है, इंटरेस्ट, उसको एग्जेम्प्ट किया है। एंड सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक, बैंक आपस में अगर फॉरेन करेंसी का लेन देन करेगी तो उस केस में एग्जेम्प्ट किया है, अदरवाइज टैक्सेबल है। हाँ जी, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में भी थोड़े बहुत अमेंडमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज में कुछ खास टाइप की सर्विसेज है। इसमें जनरली देखना कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे अभी आर्मी वालों का फंड है वो अपने मेंबर्स के लिए करती है, नेवल ग्रुप फंड है, वैसे एक आध ग्रुप इन्होंने और डाल दिया। और उसके बाद ना कुछ सर्विसेज हैं, जनश्री, इसमें भी एक जीत है का, तो एक एफ पॉइंट और डाल दिया इन्होंने, जनश्री बीमा योजना हो गया, आम आदमी बीमा योजना हो गया, लाइफ माइक्रो, माइक्रो जो 2 लाख तक के कवर करती है, इस तरीके से कई सारे इंश्योरेंस को इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। जनरल इंश्योरेंस में भी हट इंश्योरेंस है, कैटल इंश्योरेंस है, इस तरीके के इंश्योरेंस को इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। निरामया हेल्थ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कोकोनट पाम एटसेट्रा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्पेसिफिक बॉडीज़, कई सारी बॉडीज़ हैं जिनकी सर्विस को, ESI है, SEBI है, IRDA है,
ये सब गवर्नमेंट से सपोर्टेड जो बॉडी है उन सबके सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया है, पेंशन स्कीम में एग्जम्प्ट किया है, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड कॉरस्पॉन्डेंट जो होते हैं उनकी कुछ सर्विसेज, रूरल ब्रांच, ये देखिए बैंक के रूरल ब्रांच में जो सर्विसेज देते हैं उनको एग्जम्प्ट किया है, सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। देखिए मैं जस्ट इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस पर डिटेल जाने के कोई फ़ायदा नहीं है। लीजिंग सर्विसेज हो गया, लीजिंग सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इसको भी छोड़ते हैं अभी पर, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, दिखता है कई बार मेरे को, परफॉर्मेंस बाई एन आर्टिस्ट, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंट मैं, कॉरस्पॉन्डेंट कौन होता है, मैं का कहना है कि कॉरस्पॉन्डेंट का मतलब होता है एजेंट, सीधा सीधा मतलब बैंक के लिए कोई खाते खुलवा रहा है उसके लिए सर्विसेज दे रहा है तो वो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मतलब एजेंट हो गया, वो अच्छे लैंग्वेज में कॉरस्पॉन्डेंट बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल राज, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है तो वो मेरे को कवर करना ही करना है आज आपका, सुन लो थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ जो जो दिख रहा है मैं आपको बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, तो सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक एंड क्लासिकल, तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है फोक और क्लासिकल आर्ट, म्यूजिक आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर, इफ कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1.5 लाख रुपए तब एग्जेम्प्ट रहेगा और वो किसी भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बांग्ला शस्य बीमा, यही ऋतिक बेटा ये अमेंडमेंट में बताऊंगा अभी मैं, ये एक्चुअल में जी पॉइंट के रूप में जुड़ा है इस बार, ठीक है। तो वो कुछ होगा बांग्लादेश का कुछ बीमा होगा, याद कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, जानना हो तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। बिजनेस फैसिलिटेटर एंड कॉरस्पॉन्डेंट में क्या डिफरेंस है बेटा, बिजनेस फैसिलिटेटर और कॉरस्पॉन्डेंट और एजेंट एक ही चीज़ होता है, कोई फर्क नहीं है, जो हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहा है, सहायता दे रहा है, हमारे लिए कोई काम करके लाके दे रहा है, ग्राहक का जुगाड़ करके ला के दे रहा है, तो बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट या बिजनेस का मार्केटिंग एजेंट एक ही चीज़ है। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, अब कई इवेंट में अगर आप एंट्री करते हो तो एंट्री फीस लगती है, उसमें एग्जेम्पशन दिया है, म्यूजियम पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ऐसा कान्हा नेशनल पार्क है ना तो वहाँ पर नहीं लगेगी आपको जू में, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा अमेंडमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, क्लेरिफिकेशन आए हैं, जो रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी होती है ना उसमें 7,500 रुपये पर मेंबर या पर फ्लैट अगर मेंबर से लिया जा रहा है तो एग्जेम्पशन है और उसके ऊपर है तो फिर टैक्सेबल है, तो इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, अदर एग्जेम्पशन भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब मैं सीधा आपको लेके आता हूँ अमेंडमेंट में, ये देखिए ये तो मैंने कराया था आपका, शुरू से लेके आ रहा हूँ इसमें, ये एक्चुअली में ना इस चैप्टर का अमेंडमेंट बहुत बड़ा दिखता है नहीं, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, चैप्टर 4 का अमेंडमेंट बड़ा दिखता है, अभी मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा इसको। कई स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो बोलते सर ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भी कर लोगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ने का कॉन्फिडेंस आ जाए बस। ये अमेंडमेंट देखो भाई, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर 4, अमेंडमेंट रिलेटिंग टू एग्जेम्पशन टू सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज, ये तो हमको पता है, नोटिफिकेशन नंबर 12/17 की बात चल रही है, डेटेड भी पता है हमको। अब उसके बाद कई और चीज नोटिफिकेशन लाकर इसमें अमेंडमेंट किया गया, वो नंबर याद रखने की जरूरत नहीं आपको, केवल पेरेंट नोटिफिकेशन याद रहे वही बहुत है। ये देखिए अब कॉलम में क्या लिखा, हेडिंग में देखिए तो एंट्री, ठीक है, एंट्री के थ्रू करते हैं, एंट्री अमेंडेड ओमिटेड न्यूली इंसर्टेड, मतलब ज़्यादातर तो ओल्ड एंट्री को अमेंड किया गया और कुछ एंट्री इंसर्ट हुई है। अब इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, क्योंकि हमको सर्विसेज ही हमारे कोर्स में प्रायर टू अमेंडमेंट, और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज पोस्ट अमेंडमेंट, मतलब ये पहले का है और ये अब का है लेटेस्ट,
और उस चेंज होने से क्या फर्क पड़ा उसके बारे में यहाँ पर दिया है रिमार्क्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं एंट्री 7 की बात करता हूँ, तो ये इसके नीचे लिखा अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट लिखा है इसका मतलब है कि पहले से बनी हुई है थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। अब ये वाला जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, इसका इफेक्ट कई जगह है और वो छोटी बात है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। एंट्री 7 एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से सुनना, इसका इफेक्ट कई जगह मिलेगा आपको। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹20 लाख। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर SCS बोला है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 10 लाख, ठीक है उसको छोड़िए। इन द प्रिसीडिंग ईयर, आपको शायद याद आ गया होगा, नहीं आएगा तो एक बार फिर से रिफर कर लेना, सुन लो ध्यान से, कि अगर कोई गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन या फिर लोकल अथॉरिटी ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है जिसकी खुद की पिछले साल टर्नओवर 20 थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला गया है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, विद इन एन एग्रीगेट, ठीक है, टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए अब क्या लिखा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडेड बाई दिस 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 एटसेट्रा टू बिजनेस एंटिटी विथ एन एग्रीगेट टर्न ओवर अप टू सच अमाउंट इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या फर्क आ गया? अरे भैया रजिस्ट्रेशन के लिए तो अभी भी 20 लाख और 10 लाख है। ये वर्डिंग चेंज कर दिए, दिख रहा है कि नहीं आपको? फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या था कि अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है जिसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख तक है, तो उसको एग्जेम्पशन दिया है, और 20 लाख या 10 लाख से ऊपर हो गया तो वह एग्जेम्पशन नहीं है। तो इस 20 लाख और 10 लाख के फिगर को हटाकर उन्होंने वर्ड ये चेंज कर दिया, देखो पढ़ो, सच अमाउंट लिख दिया, सच अमाउंट इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कौन सी अमाउंट? 20 लाख 10 लाख नहीं लिखा, एज मेक्स इट इलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर CGST। क्यों लिखा होगा ऐसा? कुछ आइडिया लग रहा है कि आपको ऐसा वर्ड क्यों चेंज किया होगा उन्होंने? बढ़िया तो लिखा था, 20 लाख के अंदर हो तो हम एग्जम्पशन देंगे बेटा, और 20 लाख से ऊपर होगा तो हम आपको टैक्सेबल कर देंगे। तो ऐसा ये वर्ड क्यों चेंज किया होगा, ऐसा कुछ आइडिया लगता है क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका इफेक्ट कई जगह है, थोड़ा एक क्लेरिटी आ जाएगी। बिल्कुल अनिश का कहना है सर 40 लाख वाला भी तो पॉइंट हो सकता है, लिमिट में चेंज ज़्यादा बेहतर आंसर लगा दिनेश मेरे को, बिकॉज लिमिट माइट बी चेंजेस। राज ने भी बोला गुड्स के लिए 40 लाख बिल्कुल ठीक है, वो भी हो सकता है सर, रजिस्ट्रेशन की लिमिट 10-20 लाख ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो बिकॉज सीधी सी बात है, जो चेंज हो सकता है ना वो इसका लॉजिक है, ताकि परमानेंट प्रोविजन हो गया, अब ये चेंज होगा तो इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि गवर्नमेंट ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर एक ऐसी लिमिट से पिछले साल कम है जो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, कॉमन कर दिया पॉइंट को। पॉइंट समझ में आ गया? तो अब 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख या अगले साल को चेंज हो जाएगा तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये लॉजिक समझ में आ गया, बस ये चेंजेस है और यहाँ पर बस उसका रिमार्क्स पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। ये देखिए लिखा है कंसिक्वेंट टू द अमेंडमेंट इन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी, ठीक है, सेड या फिर दिस हैव ऑल्सो बीन अमेंडेड सुटेबली सो दैट प्रोवाइड एग्जिमिशन टू द बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्न ओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रेजिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर द एग्जिमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन से पिछले साल एग्जिमिशन मिला तो हम ये वाली एंट्री के थ्रू गवर्नमेंट की सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये एंट्री 45 भी समझ में आ गई। बस जहां जहां ये 10 लाख 20 लाख लिखा था वहां वहां ये वर्ड आ गया। एंट्री 45 आप देख लीजिएगा, ये आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट है, यहाँ पर भी देखिए 10 लाख 20 लाख को उठाकर ये कर दिया। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर भी आपको चेंजेस दिख रहा है, एडवोकेट वाला जो पार्टनर फर्म ऑफ एडवोकेट था उसमें भी ये पॉइंट था, ये देखिए उसको भी यहाँ पर यही वर्ड कर दिया, ये समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं? कई स्टूडेंट में देख रहा हूँ सर बहुत सारा तो हो ही नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा पेजेस है, कुछ टाइम नहीं लगेगा। अब मैं सीधा आ रहा हूँ आगे, ये है न्यू एंट्री 9AA। तो नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा? क्योंकि ओल्ड तो कोई प्रोविजन ही नहीं था। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई
एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम फीफा के नाम से जानते हैं, सबसे बढ़िया फीफा। तो ये फीफा वालों को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और फीफा में, क्योंकि इंडिया में हो रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है इसको 2020 में, तो इंडिया में हो रहा है करके इसको पूरा जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। एंट्री फीस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। फीफा एंड इट्स अ सब्सिडरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटिंग टू एनी ऑफ द इवेंट अंडर फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 भी होस्टेड इन इंडिया। ठीक है, तो फीफा के संबंध में जो फीफा जो एसोसिएशन है, सब्सिडरीज है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इवेंट हो रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको एग्जेम्प्ट किया है। और यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है। यार सोचो ना, कंडीशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कंडीशन क्या लिखा होगा, इस संबंध में जो इवेंट करा रहे हैं तो कोई ना कोई इंडिया में परमिशन मिली होगी। ठीक है, ये देखिए, डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड द स्पोर्ट्स हैव टू सर्टिफाई दैट द सर्विसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। हाँ भाई, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इट्स अ न्यू एंट्री एंड मार्क इट इम्पॉर्टेंट। नाउ ये हमारा, मैं क्लास अपने ध्यान से अटेंड की होगी तो मैं एक बता चुका था पहले ही आपको, यहाँ से देख सकते हैं एंट्री 14 अमेंडेड। एक्चुअली में होटल वगैरह वाले जो है, जो सर्विसेज देते, तो पर डे पर रूम्स ₹1,000 अगर है तो एग्जेम्प्ट है। तो पहले प्रोविज़न क्या था, बिलो 1,000 पर डे था, मतलब 1,000 होने से टैक्सेबल हो जाता था। लेकिन अब क्या प्रोविज़न होगी ये मैं बता चुका हूँ, बिलो और इक्वल टू 1,000 तो एग्जेम्प्ट है। मतलब कुल मिलाकर पहले ₹1,000 या ज़्यादा होने पर टैक्सेबल होता था, उसके नीचे कम एग्जेम्प्ट होता था, और अब ₹1,000 भी अगर पर रूम रेंट है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये समझ में आया है कि नहीं बताओ तो, क्योंकि थोड़ा सा पहले का ही है अमेंडमेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ओल्ड प्रोविज़न में ऐसा समझा देता हूँ, ₹1,000 अगर रूम रेंट रहता था तो पहले टैक्सेबल हो जाता था एग्जैक्ट 1,000 में, और अभी ₹1,000 एग्जैक्ट अगर पर रूम रेंट है तो ये अब एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये फ़र्क है, इससे शायद समझ में अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री 41 अमेंडेड। बेटा रोज एक एक चैप्टर में अपना डिस्कशन हो रहा है, पूरा तो मैं एक घंटे 45 मिनट एक घंटे में हो नहीं सकता, बट मैं कम से कम ये कोशिश करूंगा आपका कि आपका एक स्टार्टअप दे दो, जिनको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रही हो, और जिनको प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है तो आपको क्या होता है, एक ब्रश रीब्रश हो जाता है और एक पढ़ने का मन करता है। मतलब मैं अगर चलो आपका इस चैप्टर को पढ़ने का थोड़ा सा मन भी कर जाना है तो भी सेशन काम का है। और सेशन अगर आपको लगता है कि सर ये तो मेरे को बिल्कुल याद है, सेशन का मेरे को टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सेशन को शुरू के 15 मिनट अटेंड करके बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत शुरू हो जाती है हमारी, आपके सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का एक अटैचमेंट बढ़ता है। आपको भले मजाक लग रहा होगा, अगर आपका चैप्टर अच्छा भी है तो लाइव सेशन 15 मिनट सुन लो और फिर बंद कर दो, अपनी पढ़ाई पर लग जाओ, तो उस सब्जेक्ट के बारे में करंट क्रिएट होता है। तो ये मेरा अनुभव है, आप ऐसा करके देखिएगा। कोई चैप्टर अच्छा भी आपका, 15 मिनट अटेंड कीजिए और फिर बंद कर दीजिए। एंट्री 41 को इन्होंने अमेंड किया है। क्या भैया एंट्री 41? एंट्री 41 बेसिकली अपफ्रंट अमाउंट। अपफ्रंट अमाउंट का क्या मतलब होता है मालूम है? अपफ्रंट अमाउंट का मतलब होता है जो शुरू में बड़ी अमाउंट या प्रीमियम या कई बार सलामी या कुछ कॉस्ट बोलते हैं, वो दिया जा रहा है लॉन्ग लीज के लिए। तो अब यहाँ पर कौन लॉन्ग लीज दे रहा है, देखो 30 ईयर्स लॉन्ग टर्म लीज, ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 ईयर्स और मोर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ।
ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे थे अपफ्रंट अमाउंट पेमेंट किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट या फिर फाइनेंशियल बिजनेस के लिए कुछ दिया जा रहा है, तो नेचुरली गवर्नमेंट करती है काम, तो इसको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कौन दे रहा है यहाँ पर, देखो स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर ठीक है, या फिर अंडरटेकिंग और एनी अदर एंटिटी हैविंग 50% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी, तो ऐसी अदर संस्था या अंडरटेकिंग जिसमें 50% गवर्नमेंट का लगा हुआ है, अब इस 50% को इन्होंने कर दिया 20%। ये फर्क दिखना चाहिए बस आप, ये इसको मेन जहाँ पॉइंट पे पढ़े होंगे वहाँ पर भी अमेंड कर देना आप, क्योंकि छोटा सा अमेंडमेंट है, दिख रहा है बस लंबा चौड़ा और कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक प्रोविज़ो इन्होंने डाल दिया, लंबा चौड़ा प्रोविज़ो डाल दिया कंडीशंस का, वो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोविज़ो में ये लिखा हुआ है कि भाई पूरी कंडीशन गवर्नमेंट की मानना पड़ेगा आपको। ये देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, प्रोवाइडेड ये एग्जम्पशन कब मिलेगी, अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग जिसमें 20% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है या उसका फाइनेंस लगा हुआ है, वो अगर अपफ्रंट अमाउंट लेती है आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह देने के लिए 30 साल या उससे ज़्यादा के लीज में देती है, तो आपसे जो पैसे लेगी उसमें सर्विस GST नहीं लेगी, एग्जेम्प्ट है इस एंट्री में। प्रोवाइडेड दैट क्या लिखा हुआ है देखिए, यूज वर्ड को मार्क कर सकते हैं आप, यूज वर्ड को मार्क कर सकते हैं, क्या लिखा होगा सोचो ना भाई, जिस पर्पज़ के लिए आपको दिया गया ना उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है आपको, सीधी सी बात है। फॉर द पर्पज़ फॉर विच दे आर अलॉटेड, दैट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन एन इंडस्ट्री और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया, ठीक है, तो उसी में यूज़ करना है पहला कंडीशन। एंड प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, और क्या लिखा है प्रोवाइडेड ऑल्सो में, गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी उसको कि भाई आप कर रहे हो कि नहीं यूज़। फिर आगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिया है कि अगर कुछ वॉयलेशन करोगे तो फिर हम जो GST छोड़े थे वो एग्जम्पशन दिया आपको वो वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है liable to pay such amount of integrated tax as have been payable on upfront amount, जो टैक्स हमने छोड़ा है अभी exemption दिया वो ले लेंगे। फिर आगे देखिए provided also that क्या लिखा हुआ है, that the lease agreement entered into by an original leaser with the original leasee or subsequent leasee or sub leasee as well as the subsequent leasee, जो भी उनके बाद lease में दिया जा रहा है, sale agreement for lease or sale of such plot of to subsequent leasee or buyer or owner shall incorporate in terms and condition, मतलब इसके बाद जितने लोगों को आगे भी लीज में दिया जाएगा उनको भी यही वाली टर्म्स कंडीशन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी जो कि ओरिजिनल लीजी को दी गई थी। तो बहुत ही एक कॉमन और जनरल पॉइंट है, दिख रहा है दो पेज में फैला हुआ प्रोविजन, लेकिन बहुत ही कॉमन और जनरल पॉइंट है, पढ़ के देखेगा और एक जिस्ट बना लेना उसके बाजू में, बताइए तो आपको समझ में आया क्या ये जो हमने बातें की, ये वाली एंट्री 41 अमेंडमेंट बताइए, फिर एंट्री 22 अमेंडमेंट। ओके हर्ष, ओके एक बार देख लेना बेटा, और जहां जहां छोटी मोटी चीजें बुक में इनकॉर्पोरेट कर लेना और यहां से लिख देना इनकॉर्पोरेटेड, तो ये वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ये जरूर कर लेना, ठीक है। आगे चल रहे एंट्री 22 अमेंडेड, तो एंट्री 22 क्या है देखो मैं आपको, ये भी बहुत छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं है। ये जो एंट्री 22 है सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, किराए पर हायर पे दी जा रहा है, ठीक है। हायर पे क्या दिया जा रहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग STU अ मोटर व्हीकल, मान लो छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट चलती है तो उसको मैं बस किराए पर दे रहा हूँ, कौन सी बस, मोर देन 12 पैसेंजर, तो बस हो गई, मिनी बस या बड़ी बस। तो मैं अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, ये पहले से बना हुआ है प्रोविजन, बस किराए पर देता हूँ तो वो भी तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, वहाँ GST चार्ज नहीं होता है, एंट्री 22 में पहले से लिखा है। अब उसके साथ एक और ए पॉइंट पहले से था उसके साथ जोड़ दिया गया डबल ए ऑल्सो, ठीक है। क्या जोड़ दिया गया इसमें, अब क्या दिया जा रहा है, लोकल अथॉरिटी को दिया जा रहा है हायर में, क्या दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल EOV मेन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, और EOV का मतलब व्हीकल फॉलिंग अंडर द चैप्टर 87 इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट
1975 एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल किराए पे दोगे तो उसको भी अब एग्जिबिशन में डाल दिया गया, ये नया पॉइंट ऐड हुआ है। ठीक है, बस इनकरेज क्यों लाया गया बोलेंगे तो इनकरेज करने के लिए लाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ हो सके। अभी आ गया न्यू एंट्री 28B। हाँ जी, अब जो नई एंट्री आई तो नेचुरली पहले तो कोई प्रोविजन था ही नहीं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। क्या एंट्री है? सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयरहाउस ऑफ सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स नट्स वेजिटेबल्स स्पाइसेस कोपरा शुगर कैन, कोपरा मतलब ये नारियल से बनने वाला जो होता है उसी को बोला होगा, जगरी रॉ वेजेस फाइबर सच एस कॉटन फ्लैक्स जूट एटसेट्रा, इंडिगो, इंडिगो मतलब नील हो गया, नील नील, ठीक है, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको बीटल लीव्स तेंदू लीव्स कॉफी एंड टी, ये सब चीज के वेयर हाउसिंग या स्टोरेज करने की फैसिलिटी को एंट्री 24B में क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। इसके अलावा पहले से वे किस चीज के वेयरहाउस करने को एग्जेम्प्ट किया गया था, कुछ आइडिया तो बताइए मेरे को। ये तो नया आया है, और कोई था क्या पहले? राइस, वेरी गुड अनिश, बिल्कुल सही बात है, राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वेरी गुड। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को वेयरहाउस करेगा आदमी, स्टोरेज करेगा, उसकी सर्विस से एग्जेम्प्ट है। राइस को करेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल। अब तो पल्सेस तो आ ही गया है इसमें, अब तो नया आ गया है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वेदर राइस इज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, माय क्वेश्चन इज वेदर राइस इज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यस और नो? हर्ष का कहना है नो, खुशबू का कहना है नो, ओके गोपाल जी नो नो, क्या बात है, वेरी गुड। दिशिका ने लिखा पैडी, ठीक बात है, पैडी इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वेरी गुड। क्योंकि पैडी के बाद फिर फर्दर प्रोसेसिंग होती है, और पैडी जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर मार्केट में सेलेबल प्रोडक्ट है, वेरी गुड, याद है आप लोगों को। तो ये आ गया आपका नया प्रोडक्ट, इसके साथ 24B। यहाँ पर धान लिखा है, बिल्कुल सही बात है, हिंदी में अपन धान बोलते हैं, धान है पैडी एक ही चीज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यू एंट्री 29B यहां पर आ गई है, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय द, एक और ग्रुप जोड़ दिया गया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे वहां आर्मी वालों का था ना, तो वैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स किसको सर्विस दे रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर। तो जैसे आर्मी वालों का फंड था वैसे यहां पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को भी यहां पर बना दिया गया। उसके बाद जो मेरे को पूछ रहे थे ना, बांग्ला शस्य बीमा क्या है, ये देखिए ये यहां जुड़ा है, बांग्ला शस्य बीमा, इसे बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, जानने का टाइम होगा तो गूगल कर लेना। तो बांग्ला शस्य बीमा योजना को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, कई सारे हमने ए से लेकर जी तक के पॉइंट पढ़े थे ना जी बीमा योजना में, तो यहाँ पर एक और पॉइंट जुड़ गया, ए से क्यू तक के पॉइंट थे, आर पॉइंट को जोड़ दिया गया। ये देखिए माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी, वो 2 लाख वाली अभी पढ़ रहे थे अपन, तो उसमें एक और जोड़ दिया गया बांग्ला शस्य बीमा, इसको मैंने उस समय भी शायद लिखवा दिया था आपको। एंट्री 82A न्यू एंट्री है, सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन, ये फीफा का राइट टू एडमिशन डाल दिया, फीफा को तो एग्जाम किया था, अब फीफा में जब जाओगे एंट्री का जो फीस आएगी, एंट्री फीस रहेगी, उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये देखिए फीफा वर्ल्ड कप एंट्री फीस कंप्लीट, ज़्यादा नहीं है मेरे बताने में, अभी अगर अभी ज़्यादा लग रहा होगा तो अभी अगर और मेरे क्लास के बाद 5-10 मिनट बैठ जाना, आप देखना और जिस्ट बना लेना, जो को बेसिक नोट्स में आप जोड़ सकते हैं उसको वहाँ पे जोड़ देना, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अनिश खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ, ये फर्स्ट पॉइंट था एंट्री के बारे में जो था, अब सेकेंड पॉइंट क्या है थोड़ा सुनना, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इजी है, टफ नहीं है क्वेश्चन, और एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को उठा भी सकता है एग्जाम आपका। क्या लिखा है देखो, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना हेडिंग पढ़ के, एक क्लेरिफिकेशन है रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी,
जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए क्लेरिफिकेशन है ऑन डिले पेमेंट चार्जेस इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ ईएमआई। ईएमआई जानते हैं आप, तो ईएमआई अगर हम लेट पेमेंट करते हैं, सुन लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं केवल ओरली बता दूंगा, चलेगा, आप एग्जांपल पढ़ लेना। ईएमआई अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो बैंक चार्जेस लेती है आपसे, इन टर्म्स ऑफ पीनल इंटरेस्ट बोल लीजिए या चार्जेस बोल लीजिए, तो उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए आपको क्या फील हो रहा है। इसमें लिखा है सब, नीचे अंदर लिखा है, सब लिखा है इसमें, नो आंसर आ रहा है सौम्या का, यस आंसर आ रहा है अनुज का, मुस्कान का यस आ रहा है, प्रतीक का यस, सौरभ का नो, यस सर लगेगा लगेगा लगेगा। देखिए अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, ये सुनिए अब आप, यस और नो दोनों हो सकता है, यही समझा रहा है यहाँ पर। पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट ये है कि नॉर्मली नॉर्मली जो भी सर्विसेज देने का, चाहे डिपॉजिट हो लोन हो, जिसका कंसिडरेशन अगर इंटरेस्ट रहता है वो एग्जेम्प्ट है, आपको ध्यान होगा एंट्री 27, पॉइंट समझ रहे हैं, एंट्री 27 में एग्जेम्प्ट है। तो अगर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट माना गया उसको तब तो एग्जेम्प्ट है, और नहीं माना गया तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, बस ये फंडा है। तो यहाँ दो इशू है, ये देखिए इशू क्या है, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दैट और नॉट, ये देखिए वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशनल और पीनल इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू लोन, वेदर सच पीनल इंटरेस्ट वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 27 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन और इट वुड बी टैक्सेबल, ट्रीटिंग इट्स अ कंसिडरेशन फॉर लिक्विडेटेड डैमेज। क्या लिक्विडेटेड डैमेज मिला मानकर उसको जीएसटी लगाएं, या इंटरेस्ट मानकर, एडिशनल इंटरेस्ट मानकर एंट्री 27 का लाभ देकर छोड़ दें, तो डिपेंड करता है किस तरीके से ट्रीट हुआ। तो इसका क्लेरिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, ये क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्लेरिफिकेशन में एक यहाँ पर रिफर किया सेक्शन 15(2)(d). 15(2)(d) क्या मालूम है, 15(2)(d) है बेसिकली, ये बोलता है कि अगर आप कोई भी सप्लाई करते हो और बाद में उससे डिले पेमेंट के कारण अगर इंटरेस्ट चार्ज करते तो वो भी वैल्यू का पार्ट बन जाता है, तो उस हिसाब से तो जुड़ जाना चाहिए, है ना। तो देखिए अब मैं इसको डिटेल में इस पे नहीं बात करूँगा, ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, अब ये दोनों एग्जाम्पल बेस्ट है समझने के लिए। पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ, एक्स ने वाई को मोबाइल फोन सेल किया जो कि 40,000 का था, और उसको बोला कि 11,000 की चार किस्तें दे दो, ईएमआई दे दो, पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई को मोबाइल बेच रहा है और मोबाइल के में डिले पेमेंट होता है तो एडिशनल चार्जेस रहेगा, तो वो मोबाइल के उसमें जुड़ जाएगा ड्यू टू सेक्शन 15, समझ रहे हैं। ये देखिए ये कनेक्शन कर दिया मैंने 15(2)(d), अगर किसी को ध्यान नहीं आ रहा है तो जरूर पढ़ना। मैं किसी को माल बेचा, सामान बेचा और उसने डिले पेमेंट किया, तो डिले पेमेंट करने के कारण जो मैं इंटरेस्ट लेता हूँ उसको वैल्यू में जोड़ते हैं, याद कीजिए आप, तो हिसाब से तो जीएसटी लग रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर सेकेंड एग्जाम्पल में फर्क आ गया, एक्स सेल किया मोबाइल वाई को एंड कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज 40,000 सेम है, और वाई यहाँ पर वाई को ईएमआई एक्स नहीं दे रहा है, वाई दूसरी बैंक से या दूसरे कंपनी से या दूसरे पर्सन से कोऑर्डिनेट कर रहा है, वाई इज एन ऑप्शन टू अवेल अ लोन एट अ इंटरेस्ट ऑफ 2.5% पर मंथ फॉर परचेजिंग द मोबाइल। अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट आएगा तो उसको एग्जेम्पशन दिया है, मतलब प्योर फाइनेंस ट्रांजेक्शन हो गया ये, ऊपर में मोबाइल का ट्रांजेक्शन हो गया, गुड्स का हो गया, तो यहाँ पर सेक्शन 15(2)(d) एप्लीकेबल होगा, मतलब जीएसटी लगेगा। और यहाँ पर देखिए फाइनेंस का ट्रांजेक्शन वाई और एबीसी लिमिटेड के बीच में हुआ, यानी प्योर फाइनेंस ट्रांजेक्शन हो गया, तो यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये दूसरा एग्जाम्पल। मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल को एक केस स्टडी के रूप में यूज करेगा आपके एग्जाम में, समझ में आया कि नहीं पहले तो ये बताओ, मेरे वेट करो प्लीज, बताइए मेरे को आपको समझ में आया डिस्कशन, मैं रुक जाता हूँ, पढ़ लीजिए अभी भले। शॉर्ट में बता देता हूँ ऋतिक, मैं आपको
शॉर्ट में सुन लीजिए फिर से, ये देखिए, ये मोबाइल फोन मैंने आपको बेचा, मोबाइल फोन मैंने आपको बेचा, तो मेन ट्रांजैक्शन क्या कर रहा हूँ मैं, गुड्स बेचने का। अब आपको मैंने बोल दिया भैया 11,000 की चार किस्तें दे देना, तो ये भी तो ईएमआई है आपके लिए, इक्विटेड मंथली अमाउंट है। अब आपने पेमेंट करने में लेट कर दिया, तो मैंने 2,000 रुपये और ले लिया आपसे ब्याज के। तो ये देखा जाए तो ये जो मैं टॉलरेट किया आपको, उसके कारण जो ब्याज लिया, ब्याज ब्याज एग्जेम्प्ट है पता होना चाहिए आपको, लेकिन मेन काम तो मोबाइल बेच रहा हूँ, तो वो जो इंटरेस्ट ले रहा हूँ ना, वो इसके जो डिले पेमेंट का इंटरेस्ट ले रहा हूँ उसकी वैल्यू में जुड़ जाएगा। ये सेक्शन 15 में लिखा है, 15(2)(d) को जरूर देखना अगर आपको याद नहीं होगा किसी को, तभी समझ में आएगी बात। तो इसमें जुड़ गया मतलब जीएसटी लग गया। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, मैं भैया कैश लेके बेचूंगा, तुमको लोन लेना, जाओ बैंक से जो लोन लेके आ जाओ या दूसरी कंपनी से लोन लेके आ जाओ। आपने कंपनी से बैंक से लोन लेके आया और वहाँ ईएमआई में गड़बड़ कर रहे हो आप, तो वहाँ ईएमआई में गड़बड़ करके जो इंटरेस्ट लगेगा उस इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ एंट्री 27। ये फर्क है। और एक एक वर्ड को पढ़ लेना, इसको केस बनाने वाली इंस्टीट्यूट, केस बहुत बढ़िया, एक अच्छा एग्जाम मटेरियल तैयार हो रहा है इससे। और ये तो कर लेना आप, इसमें और क्लेरिफिकेशन डाल दिया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्लेरिफिकेशन, दो तीन क्वेश्चन डाले, इश्यूज डाले इन्होंने, ये हमने डिस्कशन हो चुका है। राज का कहना है, सर इज देयर एनी स्कोप फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम? बिल्कुल राज, कोई पोस्टपोनमेंट का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एग्जाम शेड्यूल टाइम पे होने वाली है 100%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इंस्टीट्यूट के वेब, कोई भी चीज़ देखना है तो इंस्टीट्यूट के ऑथराइज वेबसाइट पे देखा करो, कोई भी रूमर पे इधर उधर ध्यान मत दो। और दूसरा क्या होता है, ऐसी न्यूज़ या यूट्यूब चैनल में हम ऐसी कोई चीज़ सुनते हैं ना, तो हमारा पढ़ाई पे मन थोड़ा हटता है, तो बिल्कुल उसमें मत, अपने आप कई आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी कमियाँ हैं, उसको ढूंढो और ठीक करो। ठीक है, चलो इश्यूज क्या है, मैं आपको एक दो इशू बता देता हूँ। 7,500 वाला पॉइंट मैंने बता दिया, 7,500 पर मंथ अगर पर मेंबर लिया जा रहा है तो उस केस में एक रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो सर्विसेज अपने मेंबर को देता है, तो उसको क्या कर रखा है, उन्होंने एग्जेम कर रखा है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर 7,500 रुपये पर मंथ मेंबर से ले जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक इशू इन्होंने क्या डाला है कि अगर अपड़ो और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख और लेस, क्या उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख से कम है तो क्या वो जीएसटी उसके ऊपर चार्जेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे भैया, आप अगर टैक्सेबल सप्लाई भी करते हो लेकिन अगर आपको टर्नओवर ही 20 थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है तो फिर जीएसटी कहाँ लगेगा आपके ऊपर, चाहे 7,500 से ऊपर हो तो भी नहीं लगेगा। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, ये अच्छा यानी एक केस टाइप का बना दिया उन्होंने, अगर मोर देन 20 लाख है और मोर देन 7,500 है तो एग्जम्पशन मिलेगा, नो, लेकिन 7,000 से कम है तो एग्जम्पशन मिलेगा, यस, 20 लाख से कम है तो 7,500 ऊपर है तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, नीचे है तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक केस दिया है। अब देखिए क्या दिया है यहाँ पर, इस RWA एंटाइटल टू टेक ITC, क्या ITC मिलता है RWA को? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अगर आउटपुट भी GST लग रहा है तो जो सर्विसेज वो खुद परचेस कर रही है उस पर ITC बिल्कुल मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा है वेयर अ पर्सन ओन्स टू और मोर फ्लैट इन हाउसिंग सोसाइटी। अब देखो, एक सोसाइटी में दो फ्लैट लेकर रखा है और एक का जो फीस है मंथली 5,000 है तो उसको तो 10,000 रुपये देना पड़ रहा है। अब बताइए यहाँ GST लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ फ्लैट वाइज या रेसिडेंशियल यूनिट वाइज देखा जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल में, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मार्क कीजिए, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, बाकी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक और अप्रूव्ड कोर्स है, जैसे एजुकेशन में जो एजुकेशन अप्रूव्ड रहता है ना उसी को एग्जेम्प्ट किया है, जिसमें रिकॉग्नाइज लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज डिग्री मिलती है उसको एग्जेम्प्ट किया है, पढ़े हो ना आप, नोटिफिकेशन नंबर शायद 66 है। तो यहाँ पर एक कोर्स को और एग्जेम्प्ट किया गया, क्लेरिफिकेशन एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST एग्जेम्पशन टू
डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेस कंडक्टेड बाय मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसको अप्रूवल मिला हुआ है, इस कारण से इसको भी एग्जिमिशन मिलता है उसमें। और ये मैंने बताई थी आपको क्लेरिफिकेशन के बारे में। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर एग्जिमिशन, और जितना मेरे से बन पड़ा, ठीक है, हाँ राघव डाउट क्या आप डालो बेटा, जितना मेरे से बन पड़ा इस चैप्टर को मैंने आपका स्टार्टअप करा दिया। कम से कम इतना जरूर मानिएगा कि स्टार्ट हो गया तो इसको फटाफट फटाफट आज बैठ के और कल सवेरे में निपटा दो, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है एग्जिमिशन के बाद, अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी प्लानिंग करना है मेरे को। अब काफ़ी हमने एग्जिमिशन काफ़ी पेजेस निपटा दिए इसके, और कल अपन करेंगे टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा पॉइंट है, टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। प्रतीक ने कहा सर कंस्ट्रक्शन, बेटा कल करा दूंगा, आज काफ़ी लेट हो गया, ठीक है, या आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरे को डाउट रेस कर दीजिएगा तो मैं देखूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डाउट भी नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा था, लेकिन लाइव क्लास मैं चाह रहा था कि एक बार चालू हो गई तो कंप्लीट करूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो डाउट मेरे को रेस कर दीजिएगा, मैं कल कोशिश करूँगा, मॉर्निंग में थोड़ा एनर्जी रहेगी तो मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। और इसी के साथ विदा लेते हैं बेटा, और लग के पढ़ाई कीजिए, एनर्जाइज रहिए, है ना। और कभी दिक्कत आती है तो अपने फैमिली से, फ्रेंड से, टीचर से ज़रूर बात कीजिए, इससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। लाइव क्लास में अमेंडमेंट मेरा पूरा ही करवा दूंगा, क्योंकि आगे के अमेंडमेंट मैं पहले किया था, उसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, पहले करवा चुका हूँ। क्रॉस ट्रांसफ़र मेजर माइनर हेड का, हाँ बिल्कुल, मेजर माइनर हेड बहुत ईजी है, ये कवर अपने आप हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लाइव सेशन मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है लाइव सेशन लेने से, नहीं तो हम लोग भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार बोर लगता है। हाँ जी राघव जी, अपन कर लेंगे, बिल्कुल। अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मेजर माइनर हेड को आपस में आप एडजस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे अब कर सकते हैं, इसको और डिटेल में बताऊंगा इस चैप्टर में। यस ये अमेंडमेंट है सर बेटा। अनिकेत बेटा इनकम टैक्स लगभग मैंने पूरा कवर करा दिया है, और टोटल इनकम के भी काफ़ी सारे मैंने लेक्चर्स लाइव में आप अटेंड भी किए हो शायद, तो उसको नहीं कुछ छूट गया होगा तो यूट्यूब में देख लीजिएगा, काफ़ी सारे मैंने करा दिया है। मेरे ख्याल से इनकम टैक्स में अब नीड नहीं, नवंबर मंथ में ज़्यादा लाइव सेशन लूँगा, आपको भी तैयारी करना पड़ेगा, फिर भी कुछ लगेगा इसको कवर करने बाद तो देख लेंगे। नेहा ने कहा है कि सर लाइव बहुत बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी बेटा बेनिफिशियल है, हमको भी आप लोगों से बात करके एनर्जी आती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आशु का कहना है कि सर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट के और क्वेश्चन बनाना, अमेंडमेंट या टोटल इनकम बोल रहे हैं, हाँ टोटल इनकम बोल रहे होगे तो टोटल इनकम के कर लेंगे बेटा, दो चार क्वेश्चन और कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक एक क्लास में 40-40 30-30 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाता है, उसमें कुछ नहीं, दो क्वेश्चन भी कर लेंगे एक दिन में। ओके बेटा अमित, थैंक यू। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, हाँ ये नोट करके रखा हूँ बेटा, मेरे को याद जरूर दिलाना, मैं एक बार इसका एक ही क्वेश्चन है करा दूंगा, हो जाएगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT, ठीक है। ओके बेटा थैंक्स अगेन, आई एम स्टॉपिंग द लाइव सेशन।